मैं जिस आदमी के साथ हूँ उसके पास 400 बिलियन स्टार है। मंदिर में जाओ, कभी मांगो मत। मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना रखी, आपके सजदे का थोड़ी भूखा है वो। बस प्रभु शरीर पे हाथ रखे रहना, खुराफात हम करेंगे। क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड भी खाता हूँ ना सड़क पे खड़े होके, तो मैं उसको शुक्रिया कहता हूँ। 25-25, 30-30 दिन से लेटे हैं, हमसे 20 करोड़ लोगों की हत्या करवा दी और उसमें से एक ये हो। सुबह आ रहा था उधर से ग्रीन पार्क से, तो रास्ते में लाल इमली वाली फैक्ट्री पड़ती है। अब ना फैजल यार इसको खरीद लो। तो भाई तब देखे कहे कि चलिए। अरे मैंने कितने की होगी, मैक्सिमम कितने की? 10,000 करोड़ की ले लो, 2 साल में अरेंज हो जाएगा। पता करो क्या बिक तो रही है सर, 400 बिलियन स्टार है भगवान के पास, भगवान अल्लाह जो भी कहो, 400 बिलियन स्टार। यही तो इसी को तो सोच कहते हैं ना। मैं सोचता हूं कि मैं जिस आदमी के साथ हूं उसके पास 400 बिलियन स्टार है। 10,000 करोड़ रुपया मतलब 100 रुपया दे दिन गल के लो, तालीम भी लो, जाओ ले लो। हम गए वहां बम्बई में एक टेंपल है गणेश जी का, सिद्धि विनायक। तो हमको कई लोग जबरदस्ती बहुत ममता बच्चन वहाँ आते हैं, चलो गए दर्शन वर्शन कराए हमारे। अभी जल्दी की बात है, 2 महीना पहले की, दिसंबर के महीने की बात। तो हमने कहा कि हमसे कहे कि क्या मांगा आपने? हमने कहा जाने दिए छोड़िए अठाई कह नहीं बताइए आपने क्या मांगा। हमने कहा कि मैंने मांगा कि प्रभु हमसे 20 करोड़ लोगों की हत्या करवा दे और उसमें से एक ये हो। अरे आप तो हमेशा बदतमीजी वाली बातें कर, हम मांगेंगे पत्थर से? हम क्यों मांगेंगे? उसने हमें दिमाग दिया, उस भगवान ने हाथ दिया, पैर दिया, आंखें दिया, भीख मांगने के लिए? मंदिर में जाओ, कभी मांगो मत, शुक्रिया कहने जाओ। यार तुमने ऑलरेडी इतना दे रखा है, अब क्या मांगोगे? बस प्रभु शरीर पे हाथ रखे रहना, खुराफात हम करेंगे। क्योंकि जो हम मांगेंगे वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा और हम तुमसे मांगेंगे नहीं, और तुमसे हम एक ही चीज मांगेंगे कि तुम यहां हाथ रखे रहना बस, बाकी हम संभाल लेंगे और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, कहते हैं मैं नमाज कभी छोड़ता नहीं, मालिक मेरी सुनता नहीं, तू नमाज कभी पढ़ता नहीं, तेरी इतनी सुनता है, मुझे कहते हो। मैंने कहा पता क्यों सुनता है? क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड भी खाता हूं ना सड़क पे खड़े होके, तो मैं उसको शुक्रिया कहता हूं कि तेरी मर्जी से खा रहा हूं। मालिक की सबसे बड़ी चीज क्या है? शुक्रिया। आईसीयू में जाके देखो, आईसीयू जाना, आईसीयू कभी आईसीयू जाओ हॉस्पिटल के, वहां लोगों को देखो जो 25-25, 30-30 दिन से लेटे हैं, गाजर का पानी पी रहे हैं। तो जब बिरयानी खाओ तो आईसीयू को याद कर लो, शुक्रिया के भाव पैदा हो जाएंगे और जैसे ही पैदा होंगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दिशा, नमाज पढ़ो, पूजा करो, तैयारी करो, कुछ भी करो, दिशा, अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना रखी, आपके सजदे का थोड़ी भूखा है वो, पर उसे लगता है कि आपको भी, जैसे आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे कुछ थैंक यू बोलेगा, गिफ्ट देगा, जैसे आप करते हो ऐसे वो भी शायद करता होगा और आपको कुछ देना ही नहीं, शुक्रिया। यही इसीलिए वो मालिक है।
हमारे कानपुर में है इकरा IAS by ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देख रेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।